हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्र बाड़मेर में तेल खनन व कोयला खनन को लेकर देश भर की विभिन्न निजी व सरकारी कंपनियां काम कर रही है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सोनड़ी गांव में राजस्थान स्टेट माइनिंग मिनरल लिमिटेड द्वारा कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है। कोयला खनन के दौरान लवणीय तथा केमिकल युक्त अपशिष्ट जल का स्टोरेज कर बाद में आसपास के किसानों के खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे सोनड़ी गांव में किसानों की हजारों बीघा जमीन बंजर हो चुकी है। इसके अलावा वहां पर स्थित गांव की 600 बीघा गोचर जमीन भी इस अपशिष्ट जल से खराब हो चुकी है। यहां के किसानों का कहना है कि इसको लेकर हम पिछले 5 वर्षों से लगातार कंपनी के अधिकारियों, जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के समाधान की मांग उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसानों का कहना है कि इस प्रकार के अपशिष्ट जल से हमारी जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर अनाज की तो बात छोड़ो, घास भी नहीं होता है, जिससे हम मवेशी भी पाल नहीं पा रहे। साथ ही किसानों एवं ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि समय रहते कंपनी इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ किसानों ने यहां तक कह दिया कि जमीन बंजर होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अब हमारे पास समाधान के नाम पर आत्महत्या का रास्ता दिख रहा है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।